जय हिंद साथियों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर आएगी चुनाव आयोग से संबंधित। यहाँ पर हम चुनाव आयोग को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। फिर उसके बाद हमारी खबर आएगी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर साइबर से किस तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जम्मू कश्मीर से संबंधित। यहाँ पर हम अनुच्छेद 370 को देखने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 370 रहने से पहले क्या था और 370 हटने के बाद क्या बदलाव आएगा। यहीं पर हम परिसीमन को भी देखने का काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से परमाणु हथियारों के बारे में देखेंगे। फिर किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है और इनका क्या विध्वंसक हो सकता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम साइंस में किन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। नए CDS की राह में चुनौतियां, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसे हम GS3 सिक्योरिटी एजेंसी से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, इन तीनों के बीच में एक समन्वय का काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आप GST पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ध्वनि प्रदूषण को आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो घातक सिद्ध हो रही है ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से कम किया जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई कौन सी होती है और इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र हैं उनको रूस में मिला लिया गया, तो उन क्षेत्रों को देखने का प्रयास करेंगे, मैप एनालिसिस करेंगे यहाँ पर हम यूक्रेन का। उसके बाद हम देखेंगे ईरानी राष्ट्रपति ने लोगों से की राष्ट्रीय एकता की अपील, तो हम यहाँ पर जो ईरान है उसके मैप का एनालिसिस करेंगे कि ईरान का जो ईरान है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर आप अभिव्यक्ति में मंगल पर जीवन और यात्रा, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये GS3 सोलर सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं, ब्रह्मांड से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से आने वाले समय में जो नासा है, इसरो है, उनके मंगलयान के लिए मिशन है और किस तरह से जो मंगलयान है या मंगल ग्रह पे है उस पर जीवन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो इसे आप स्वयं पढ़िएगा। उसके बाद हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, उसकी प्रस्तावों को देखने का काम करेंगे, उसके कार्यकलाप को देखेंगे। फिर उसकी जो संवैधानिक स्थिति उसमें देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो निर्वाचन आयोग है अपनी जो कार्यप्रणाली है उसे स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करता है। फिर हम देखेंगे कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, RBI की क्या गाइडलाइंस इसके लिए। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे नोबेल प्राइज किन कैटेगरीज में दिया जाता है। फिर हम एक मैप के थ्रू नोबेल प्राइज को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही ज़्यादा नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, एशिया में, ओशनिया में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो नोबेल प्राइज विजेता है उनकी संख्या कम क्यों है। फिर हम क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, ये किस तरह से जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है उससे भिन्न होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम क्वांटम कंप्यूटिंग को समझेंगे कि क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी चुनौती क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के यूजेस यानी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे। फिर अन्य मैप्स से समझने का प्रयास करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के और क्या क्या यूज हो सकते हैं। फिर हम यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजा और खेरसन क्षेत्र को देखेंगे। फिर एक अन्य मैप के थ्रू फिर जो यूक्रेन है उसके मैप का एनालिसिस करेंगे, उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एटम बम, परमाणु हथियार उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो एटम बम है वो एक विनाशकारी विध्वंसक साबित हो सकता है पूरी मानव जाति के लिए। तो उसको हम कुछ जापान के जो हादसा हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसको एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो यह हथियार है पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है कि आने वाले समय में पूरी मानव जाति को संकट में डाल सकता है।
हम एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। फिर हम देखेंगे एक अन्य मैप के थ्रू कि कौन से राज्य हैं उनको न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया गया है, किनके पास संदिग्ध परमाणु शक्ति है और कौन संभावित परमाणु शक्ति वाले देश हैं उनको देखेंगे। फिर हम एनपीटी को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर जो मैप ये इमेज दिखाई हूँ तो यहीं से फिर एनपीटी में जो विरोधाभास होती है तो भारत क्यों साइन नहीं करता एनपीटी को, उस पर देखने का काम करेंगे। फिर हम एक अन्य इमेज के थ्रू देखेंगे कि कब भारत ने जो न्यूक्लियर है वो टेस्ट किया था उसको देखेंगे। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से जो स्टेट है जिसने एनपीटी पे साइन किया है, किन्होंने जो एनपीटी पे साइन नहीं किया है उसको देखेंगे, कौन है जो एनपीटी से बाहर आया हुआ है। फिर हम जम्मू कश्मीर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर से पहले एक बार भारत की जो टोपोग्राफी उसको देखने का काम करेंगे। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के मैप को देखेंगे, उसका मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे परसिमन आयोग का प्रस्ताव क्या था जम्मू कश्मीर के लिए, कितनी सीटों को बढ़ाने की बात की गई थी। उसके बाद देखेंगे हम कि परसिमन आयोग क्या होता है, इससे संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 से पहले क्या था, 370 हटने के बाद अब क्या बदलाव आएगा उसको देखेंगे। फिर आपको अगर 370 को अच्छे से जानना है, समझना था कि 370 होने से जम्मू कश्मीर में क्या क्या घटनाएं घटित होती थी, तो आप कश्मीर फाइल्स को जरूर देखिएगा। फिर हम साइबर हमलों से संबंधित कुछ पिक्चरों को या इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या थी उसको देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी को एक ओवरव्यू देखने का प्रयास करेंगे, आने वाले समय में इससे संबंधित क्या चुनौतियां हो सकती हैं। फिर हम क्या गाइडलाइंस है या किस तरह से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं साइबर हमलों से उसको देखेंगे। उसके बाद मेथड्स क्या होती है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित उसको देखेंगे। फिर अंत में हम गूगल मैप को देखेंगे, जिन जिन लोकेशन का हम जिक्र करेंगे उनको अंत में जाकर हम गूगल मैप में उनका एनालिसिस कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से। तो जनता को बताएं कैसे पूरे करेंगे चुनाव के दौरान किए गए वादे। तो चुनावी रेवड़ियों पर बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताएं कि चुनाव के दौरान किए गए वादे कैसे पूरे करेंगे। आयोग ने इसके लिए आदर्श आचरण संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इससे राजनीतिक दलों को चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता पर मतदाताओं को प्रमाणिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे, हम चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देंगे और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछित प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते। तो यहीं पर जो चुनाव आयोग का जिक्र आया है उसको देखेंगे। हम आचार संहिता को देखते हैं तो हम आ गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उनको। तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और श्री अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। अब संरचना में देखेंगे हम तो संवैधानिक निकाय, तो भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। तब से संविधान में प्रतिस्थापित सिद्धांतों, निर्वाचन विधियों तथा सिस्टम के अनुसार नियमित अंतराल पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन किया गया है। भारत के संविधान में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में इसके एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं। आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
अब हम देखते हैं आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। उनका दर्जा भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के तरह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब हम कार्य निष्पादन को देखते हैं इनके। तो आयोग अपने कार्यों का निष्पादन नियमित बैठकों के आयोजन और दस्तावेजों के परिचालन द्वारा ही करता है। आयोग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सभी निर्वाचन आयुक्तों के पास समान अधिकार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त तो संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। अब इसकी स्वतंत्रता को किस तरह से बरकरार रखा गया ताकि ये चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संचालित कर सके। तो अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं। आयोग ही निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेता है, चाहे वह साधारण निर्वाचन हो या उप निर्वाचन। पुनः आयोग ही मतदान केंद्रों की अवस्थिति, मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाताओं का आवंटन, मतगणना केंद्रों की अवस्थिति, मतदान केंद्रों एवं उसके आसपास किए जाने वाले मैनेजमेंट और मतगणना केंद्रों तथा सभी संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है। राजनीतिक दल एवं आयोग। तो राजनीतिक दल विधि के अधीन निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत हैं। आयोग उन पर सामयिक अंतरालों पर संगठन संबंधित निर्वाचन करवाने हेतु जोर देकर उनके कामकाज में आंतरिक दलीय लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ इस प्रकार पंजीकृत राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार साधारण निर्वाचनों में राजनीतिक दलों के मतदान प्रदर्शन के आधार पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान करता है। आयोग अपने अर्ध न्यायिक अधिकार क्षेत्र के भाग के रूप में ऐसे मान्यता प्राप्त दलों से अलग हुए दलों के बीच के विवादों का भी निपटान करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का उनके द्वारा कड़ाई से अनुपालन करवाकर निर्वाचन मैदान में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं परामर्शी अधिकार क्षेत्र एवं अर्ध न्यायिक कार्य। तो संविधान के अधीन आयोग के पास संसद एवं राज्य विधानमंडल के आसीन सदस्यों की निर्वाचन पश्चात डिस्क्वालिफाई के मामलों में परामर्शी अधिकार है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं भी आयोग की राय जानने के लिए कि क्या ऐसे लोगों को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए या और यदि हाँ तो कितने समय के लिए संबंधी मामले आयोग को संदर्भित किए जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल यथा मामला जिन्हें ऐसी राय प्रस्तुत की जाती है पर बाध्यकारी होती है। आयोग के पास ऐसे अभ्यर्थी जो विधि द्वारा निर्धारित समय और रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल हो जाते हैं और डिस्क्वालिफाई करने का अधिकार है। आयोग के पास विधि के अधीन अन्य निहर्ता यानी डिस्क्वालिफाइंग तथा साथ ही ऐसी निरर्थता की अवधि को समाप्त करने या कम करने का भी अधिकार है। अब हम देखते हैं और अन्य बातें। तो कार्यकलाप भारत में निर्वाचन प्रणाली, तो हम इनकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र हमारे लिए हम भारत के लोक की अवधारणा से निर्मित संविधान में स्थापित सामाजिक आर्थिक और सामाजिक सौहार्द के ताने बाने में रचा बसा है। संविधान में परिकल्पित लोकतंत्र की अवधारणा में संसद और राज्य विधान सभाओं में निर्वाचन के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि लोकतंत्र भारत की संविधान की एक अभिन्न मूल विशेषता है और इसकी मूल संरचना का भाग है। भारत के संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। संसद में भारत के राष्ट्रपति एवं दो सदन राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। राज्यों का संघ होने के नाते भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य विधायिका हैं। राज्य विधायिकाओं में राज्यपाल और दो सदन विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटों का आरक्षण। तो देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है।
जिसमें से प्रत्येक लोकसभा और संसद के निम्न सदन में एक संसद सदस्य भेजता है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़ों पर एक नज़र, तो यहाँ पर दिखा हुआ जनगणना आंकड़े, तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1.2 बिलियन। कुल क्षेत्रफल दिया हूँ भारत का 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। निर्वाचनों की संख्या दी हुई है, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, थर्ड जेंडर, युवा दिखाए हुए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या को दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ संसद, तो राज्यसभा, तो 250 सदस्यों से अधिक नहीं, वर्तमान में कितने, तो 243। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के अधीन 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। लोकसभा दिखाया हुआ कि 543 सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। अब यहाँ पर राजनीतिक दलों की दिखाई हुई स्थिति, कि राजनीतिक दल कुल जिन्होंने 2014 के मतदानों में भाग लिया था, तो राष्ट्रीय दल कितने, तो 6, और 2014 में जिन्होंने भाग लिया था। फिर राज्यों के मान्यता प्राप्त दल कितने, तो 47, कितनों ने भाग लिया था, तो 39। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने जो पार्टी से राजनीतिक दल है वो कितनी है। यहाँ पर 2014 की स्थिति को दिखाया हूँ लोकसभा की। यहाँ पर निर्वाचन सेवा निर्वाचनों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्रीय दलों का निष्पादन, तो राष्ट्रीय दल कौन कौन से, तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये कौन से हो गए, ये राष्ट्रीय दल हो गए। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को कैसे निर्धारित किया जाता है, सीटों का आरक्षण कैसे किया जाता है, निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, संसद, राज्यसभा, दी काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे हुए, उनका पूरा परिणाम दिखाऊं, कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अवधि क्या थी, टाइम पीरियड, तो 1950 से 1962 के बीच में। दूसरे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। फिर उपराष्ट्रपति का दिखाऊं, कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका कार्यकाल कितना था, 10 साल का था, 1952 से 1962 के बाद। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, मतदान कौन डाल सकता है, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो मेन मोटिव था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर था, जिसे हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई का ऑपरेशन चक्र, तो साइबर ठगों के खिलाफ मंगलवार को सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की। तो अब यहाँ पर जो साइबर अपराधियों की बात की हम उसको देखते हैं, तो आप यहाँ पर इमेज को देखिए और इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि साइबर हमले क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देखकर कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे कि एक कोई महिला है, वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, फ़ोन में से जो पैसे है वो निकलते जा रहे हैं उसकी अनुमति के बिना, और वो चिंता दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर। इधर कोई डॉक्टर है और इनका पेशेंट है, या इनको कुछ चिंता हो रही पेशेंट की जानकारी को लीक होने से संबंधित। यहाँ पर देखिए आप 0101 जो प्रोसेसिंग है जो चलती जा रही है, और ये अमाउंट है वो निकलता जा रहा है। आप देखिए और इसका इसके संबंधित एक कहानी बनाने का प्रयास कीजिए, एक पिक्चर क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, कि इस इमेज से देखो और आपको क्या क्या ठीक नज़र आ रही है, क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी वो क्या होती है। तो साइबर सुरक्षा डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड नेटवर्क अगेंस्ट साइबर अटैक्स। 82% नियोक्ता इन खतरों से बचाव के लिए आवश्यक कौशल वाले पेशेवरों की कमी की रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखाए हुए हैं इससे संबंधित, और यहाँ पर कुछ इमेज दिखाई हुई हैं कि साइबर क्राइम से संबंधित, तो व्यापार प्रतिष्ठा, राजस्व और ग्राहक विश्वास को नष्ट कर देते हैं साइबर हमले। और हर सेकेंड में जो रैमसेवेयर है या जो साइबर हमले वो होते हैं। और आप यहाँ पर कुछ एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से साइबर है उससे बचा जा सकता है। साइबर टारगेट एवरीवेयर, तो सभी को लक्षित करें, तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप बैकअप रखें अपने डाटा का। घरेलू उपयोगकर्ता, 63% कंप्यूटर उपयोगकर्ता डेटा का बैकअप नहीं लेते, जिससे क्या है कि साइबर हमले की जो चिंताएं, जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियां उद्यमों के दिग्गज हमलों से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो पुख्ता इंतजाम नहीं किए हुए हैं। छोटे व्यवसाय 60% डेटा उल्लंघन, स्मॉल या मीडियम बिजनेस है पर साइबर हमले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने
संसाधन नहीं होते कि वो साइबर हमलों से बच सके, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखाए हैं साइबर हमलों से कि कितनी वृद्धि हुई है, कितने बड़े हैं साइबर हमले। जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से धीरे धीरे साइबर हमले वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स है जो इससे बचा जा सकता है साइबर क्रिमिनल से। तो यहाँ पर कहा है कि साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, डिजिटल और बौद्धिक सुरक्षा विधियों का उपयोग करना चाहिए, अपने सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, अपने पासवर्ड लगातार बदलते रहना चाहिए, स्वशिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से साइबर जागरूक बनना चाहिए, अपनी सोशल मीडिया सेटिंग को सक्रिय रूप से मैनेज करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को इससे संबंधित अवेयर करते रहना चाहिए साइबर हमलों से संबंधित। और यहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी दिखाया हुआ है। तो पहचान और पहुंच प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना, डाटा लॉस प्रिवेंशन, प्रॉक्सी कूटलेखन यानी इंक्रिप्शन, क्लाउड सिक्योरिटी रखना, फायरवॉल, फिर क्लाउड सुरक्षा रखना, फिर एंटीवायरस और एंटी मालवेयर, फिर उसके बाद दिखाया साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस, उसके बाद दिखाया हुआ है कि निर्देश पहचान तंत्र स्थापित करना। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ आरबीआई ने अपना एक ये इमेज जारी की हुई कि किस तरह से आप जो साइबर फ्रॉड है उनसे बच सकते हैं। तो इस हाथ में लिखा हुआ है कि साइबर धोखाधड़ी कुछ ही समय में होती है। अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि कार्ड की जानकारी, बैंक खाता, आधार, पैन कभी किसी से साझा न करें। समझदार बनो, अपना केवाईसी विवरण फोन पर किसी के साथ साझा न करें। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को भी आरक्षण। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहाड़ी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का किया ऐलान। तो कहा कि जस्टिस शर्मा समिति की सिफारिश पर किया जाएगा अमल। लड़वाना चाहते हैं कुछ लोग, पर आप सत्ता के लोभियों से बचें। तो ये तो इनकी कुछ बातें जो पॉलिटिक्स हो गई। अब हमें देख लेते हैं हमारी काम की बात क्या है यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के साथ पहाड़ी समाज के लिए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए गठित जस्टिस शर्मा समिति ने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाषी समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की है। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर जल्द आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह ने कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के कारण ही पिछड़े क्षेत्रों की न्याय मिल पा रहा है। और यहीं पर उन्होंने परसिमन का भी जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए परसिमन आवश्यक था और परसिमन के कारण ही पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों में बढ़ोतरी हुई। तो इन दो बातों का जिक्र किया है, अनुच्छेद 370 और एक परसिमन। तो इनको देखते हैं हम। तो हम जम्मू कश्मीर को देखने से पहले आप भारत की जो टोपोग्राफी है उसको देखने का प्रयास कीजिए। इधर ऊपर की साइड उत्तर की साइड क्या आ गया, तो हिमालय वाला क्षेत्र आ गया। जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में पड़ रहा है, तो हिमालय वाले क्षेत्रों में पड़ रहा है। लद्दाख, जांसकट, काराकोरम श्रेणी, केटू जो रेंज है वो यहीं पर अवस्थित है। केटू जो ऊंची चोटी है भारत की सबसे, यहाँ पर देखिए आप। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर सिंधु का मैदान, इधर अवस्थित आ गया। आप यहाँ पर देखिए आप, तो आपको पठारी क्षेत्र दिख रहा होगा, दक्कन का पठार, इधर छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, मंगलखंड का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज, आपको यहाँ बीच में कुछ खाई जैसा अनुभव हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो नर्मदा वैली है वो अवस्थित है, तो गुजरात का मैदान, राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, अरावली जो रेंज उसको दिखाया, उधर रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो गया है। इधर देखिए आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इधर छोटे छोटे द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया है। तो हमारा जो मेन फोकस था वो था जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पे। तो अब जम्मू कश्मीर का हम जो पर्टिकुलर मैप है उसको देखते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दिखाऊंगा ग्रेट काराकोरम रेंज, यहाँ पर केटू दिखा हुआ जिसकी ऊंची 8611 मीटर ऊंची मतलब ऊंचाई है इसकी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंधु दिखाई दे रही होगी, सिंधु, सिंधु में जो झांसकर है वो आकर मिल रही है, इधर से शोक नदी आकर मिल रही है। इधर कुन्नूर माउंटेन्स हो गई, एक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पर चाइना ने अपना अधिग्रहण करके रखा है इलीगली। और इधर हिंदू कुश रेंज आ गई, इधर गिलगित, पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ गया है। ये गिलगित नदी आकर किस में मिल रही है, तो सिंधु नदी में आकर मिल रही है। इधर नीचे दक्षिण की साइड शिवालिक रेंज हो गई है, यहाँ पर जो कश्मीर वैली हो गई यानी जो कश्मीर की घाटी वो अवस्थित हो गई है।
और यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है उसको दिखाया हुआ, पीर पंजाल रेंज इधर चांसकर रेंज को दिखाया हुआ है, ये पोंगयोंग लेक जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ था, यह नंगा पर्वत हो गया इधर, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8126 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर किशन गंगा नदी को दिखाया हुआ है और यहीं पर जो वुलर लेक है वो अवस्थित है, ये सोडा का मैदान हो गया है। इस तरह से आप देखिए इसको और अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर क्या अवस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि परसिमन आयोग का प्रस्ताव क्या था जम्मू कश्मीर के लिए, तो रीजन दिखा उधर जम्मू कश्मीर पहले क्या था, प्रस्तावित क्या है, तो जम्मू में पहले क्या था तो 37, कितना प्रस्तावित किया तो 6, तो कोल कितने हो जाएगी तो 43 सीटें हो जाएगी। कश्मीर के लिए तो पहले 46 थी, एक और प्रस्तावित किया तो अब कितनी हो जाएगी 47, कुल मिलाकर कितनी सीटें हो जाएगी जम्मू कश्मीर के लिए तो 90। यहाँ पर एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए के दिखाई दे रही है कि कितनी रिजर्व सीटें हैं तो 9, और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं तो 7 और नॉट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी। अभी हमने जो बात की है परसिमन आयोग ने, तो हम देख लेते कि परसिमन आयोग से संबंधित कुछ बातों को, तो परसिमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ा दी हैं। तो भारत में पहली बार परसिमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था, अब तक यह 4 बार गठित किया जा चुका है। इसका गठन है जो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका काम जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा करना है। यह एससी एसटी की विधानसभा सीटों का निर्धारण भी करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो संवैधानिक शक्तियों के जरिए काम करता है। इसका मकसद सभी नागरिकों के प्रतिनिधित्व का समान अधिकार दिलाना है। इसके आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है। इनमें संसद या विधानसभा संशोधन नहीं कर सकती, इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। परसिमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त भी होता है। आयोग परसिमन की प्रक्रिया में हर राज्य में 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। इनमें से 5 लोकसभा और 5 विधानसभा के सदस्य होते हैं। 1976 में राज्यों की परिवार नियोजन योजना को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने परिसीमन के तहत सीटों की संख्या में बदलाव करने पर 2001 तक रोक लगा दी, फिर इसे 2026 तक बढ़ा दिया। 2026 की जनगणना के आंकड़ों के जारी होने पर लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर है और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 2026 के आंकड़े जो जनगणना के आंकड़े जारी होने पर लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो ये वही बात वापस इन्होंने रिपीट कर दी यहाँ पर। तो इस तरह से हमें परिसीमन देखना था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 370 को। तो अनुच्छेद 370 था तो उससे पहले क्या था और अब क्या है जब 370 हटा दिया गया। तो यहाँ पर दिखाया कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त था, अब उसे कोई विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। दोहरी नागरिकता पहले 370 के समय थी, अब एकल नागरिकता होगी। जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था पहले, अब तिरंगा होगा सिर्फ। आर्टिकल 356 लागू नहीं है और अब आर्टिकल 356 लागू होगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है। आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं होता था पहले, अब आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल भी लागू हो सकेगा जरूरत पड़ने पर। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था पहले, लेकिन अब अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए योग्य होंगे। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे पहले, लेकिन अब दूसरे राज्य के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। RTI लागू नहीं होती थी यानी राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, अब लागू होगी। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। तो ये हमें देखना था दोनों में अंतर कि पहले क्या था और अब क्या है, इससे क्या परिवर्तन आएगा वहाँ पर। तो इसको आपको आर्टिकल अगर 370 को और अच्छे से समझना है कि आर्टिकल 370 रहने से क्या क्या वहाँ पर घटनाएं घटित हुई, कश्मीरी पंडितों के नाम सुनते हैं, तो आपको जो 370 की अगर दृश्य देखना है तो आपको द कश्मीर फाइल्स देखिए। तो बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। यूक्रेन संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की, कहा कि परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर भारत चिंतित। यूक्रेन रूस संकट के चलते इस क्षेत्र के परमाणु संयंत्रों की
सुरक्षा को लेकर भारत ने अपनी चिंता प्रकट की है। मोदी जी ने जेलेंस्की को कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान का सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रलयकारी असर हो सकता है। पीएम ने तत्काल दोनों पक्षों से टकराव का रास्ता छोड़कर वार्ता और कूटनीति की राह पर लौटने पर जोर दिया है। मोदी ने कहा कि यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता और दूसरे देशों की भौगोलिक अखंडता का पालन भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो परमाणु संयंत्रों की बात की या परमाणु बम की बात की है और उन्होंने चिंता जताई है इसकी सुरक्षा को लेकर, तो अब देखते हैं हम इससे जरूरी कुछ बातों को। तो आप देखिए कि परमाणु विस्फोट होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इमेज में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक अन्य इमेज के थ्रू समझिए कि किस तरह से जो एटम, न्यूक्लियर एटम है, उसका विस्फोट हो रहा है। अब इस दृश्य को देखिए आप, ये कहाँ का है तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो ये दृश्य है जापान का। जापान में कहाँ का है तो हिरोशिमा और नागासाकी का। तो वहाँ पर देखिए कि जब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जब बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहाँ पर क्या उसका प्रभाव हुआ, तो आप देखिए कि पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे या कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी जो स्वच्छ स्थिति में हो, यहाँ का जो पूरा जो पानी है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गया था। यहाँ पर उस एटम बम का आज भी असर दिखाई देता है। आज भी वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी जो शारीरिक संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो उन्हें जन्म के साथ मिलती हैं। तो वो क्यों हो रहा है, तो वो उसी का असर है जो आज तक जो एटम बम है उसका असर नहीं गया है। तो इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने चिंता जाहिर की और आज जो पूरी दुनिया है वो परमाणु हथियार है उनसे संबंधित चिंतित है कि आने वाले समय में ये किस तरह से पूरी मानव जाति को संकट में डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ आंकड़ों को देखिए, तो यहाँ पर दिखा हुआ अमेरिका, अमेरिका में 2021 और 2020 में दिखा हुआ, यहाँ पर जो अमेरिका उसके पास कितने परमाणु हथियार है तो 5,550। फिर रशिया का दिखा हुआ है 6,255, चीन का दिखा हुआ 350, पाकिस्तान का दिखा हुआ 165 और भारत का दिखा हुआ 156। उत्तर कोरिया का दिखाया हुआ है यहाँ पर 40 से 50 के बीच में, +10 हो सकता है क्योंकि इसके आधिकारिक आंकड़े पास नहीं आते क्योंकि एक तरह से अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो किस पे दिखाई दे रहे, तो रूस पे, फिर उसके बाद किस पे, तो अमेरिका पे, उसके बाद किस पे, तो चाइना पे, उसके बाद पाकिस्तान पर, भारत कितने नंबर पर आ रहा है तो 5वें नंबर पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो लाल रंग में दिखाया है उसका मतलब है कि उसमें बढ़ोतरी की है और जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है इन्होंने मतलब अपने जो एटम बम है उनमें कमी की है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि पहले कितने थे अमेरिका के पास, तो 5,080 थे तो उसने कमी की है तो अब 550 हो गए। अब आप यहाँ पर जो पहले यूपीएससी में प्रश्न बन चुका है एटम से संबंधित, तो आप देखिए इन आंकड़ों को देख करने का प्रयास कीजिए कि आज भी किन देशों के पास इतना बड़ा जखीरा है। अभी हम इससे आगे और भी कुछ बात करेंगे। तो साल 2021 में परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कुल 3,080 परमाणु बम है, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 13,400 था, यानी कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी संतोषजनक स्तर तक नहीं गई है। यानी इसका सीधा सी निपटान या निःशस्त्रीकरण की बात करते तो उसका एक ही विकल्प है कि जो सारे देश है वो बिना परमाणु हथियार वाले हो जाए, यानी किसी के पास भी परमाणु हथियार ना हो, तभी हम विश्व में जो शांति की बात कर सकते हैं। इसी तरह 2020 में 3,720 परमाणु बम तैनात थे, वहीं 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी पहले के लिए तैयार हैं, यानी हमले के लिए तैयार है एक तरह से। इनमें सबसे ज़्यादा 2,000 परमाणु बम रूस और अमेरिका के पास हैं। तो ये आंकड़ा किसने दिया हो तो सिप्री का दिया हुआ है। तो आप देखिए और यहाँ से कुछ अंदाजा लगाइए कि अगर अभी भी इतने परमाणु हथियार अगर तैनात होंगे तो आप विश्व शांति की बात करता है अमेरिका या पश्चिमी देश तो किस तरह से पूरी होगी। एक तरफ तो आप उनको हथियार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, विश्व में शांति बनाए रखिए, तो कैसे संभव होगा। अब यहाँ पर आप एक अन्य इमेज देखिए, तो यहाँ पर दिखा हुआ है एक ऊपरी में कि घोषित परमाणु शक्ति कौन सी, तो एक अमेरिका को दिखा हुआ है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, जिसे हम P5 भी कहते हैं, और जो भारत है और पाकिस्तान, इन्होंने भी घोषित कर रखा है परमाणु शक्ति का। उसके बाद देखिए कि संदिग्ध परमाणु शक्ति कौन है, तो यहाँ पर इन्होंने जो इसराइल को दिखाया हुआ है और एक उत्तर कोरिया को दिखाया है, जिन पर संदिग्ध यानी परमाणु शक्ति है या नहीं है अभी भी डाउट है इन पर, और संभावित परमाणु शक्ति, तो
यहाँ पर ईरान का दिखाया हुआ है कि संभावित परमाणु शक्ति यानी आने वाले समय में ईरान का भी अपना एक प्लान है, न्यूक्लियर प्लान, कि वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखाए हुए हैं कि अनुमानित परमाणु हथियार जो हमने पिछले अभी आंकड़े देखे थे उन्हीं को आप एक ग्राफ के थ्रू समझिए कि रूस के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन के पास, फिर फ्रांस के बाद, फिर ब्रिटेन के पास, फिर इजराइल के पास, फिर भारत, तो दिखाया हुआ आपको पाकिस्तान का। अब यही संबंधित जो यहीं पर जो दिखाया हुआ तो यहीं से विवाद खड़ा होता है। अब इतने परमाणु हथियार जब इन देशों को कुछ जब आगे बढ़ते जा रहे थे परमाणु हथियार, तो अब इन्हें याद आया कि हम किधर जा रहे हैं, हम किस साइड बढ़ रहे हैं, तो फिर इन्होंने सोचा कि परमाणु हथियार से तो किसी का भला नहीं हो सकता, किसी से नाश ही होगा किसी ने, यानी दोनों, अगर मान लीजिए रूस हमला करता है किसी पर तो वो भी उसी का प्रतिरोध करेगा, यानी वो भी हमला करेगा, तो इससे फायदा किसका हो, तो फायदा किसी का नहीं हुआ। तो इन्होंने कुछ बातचीत की और इसी के लिए एक समाधान निकाला था, NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि। अब परमाणु अप्रसार संधि को लेकर भारत ने क्यों साइन नहीं किए, तो उसको देखते हैं हम कि क्या वजह। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो न्यूक्लियर स्टेट है, कुछ राज्य अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित करते हैं और किसी को, दूसरे देशों को बोलते हैं कि आप परमाणु टेस्ट ना कीजिए, तो ये एक तरह से भेदभावपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर हैव और हैव नॉट्स की स्थिति आती है। अब हम परमाणु संधि क्या थी उसको देखिए, तो NPT परमाणु हथियार का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। NPT की घोषणा 1970 में हुई थी। अब तक 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते, हालांकि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पर्यवेक्षक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संधि में क्या कहा है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते, और जिनके पास है वो क्या करेंगे फिर, तो वो तो एक तरह से परमाणु हथियार संपन्न देश रहेंगे, और जो भविष्य में जो हथियार विकसित नहीं कर सकते उनके पास तो हथियार ही नहीं होंगे। तो एक तरह से जो शक्ति संतुलन है वो तो बिगड़ा हुआ है कि किसी के पास हथियार है और किसी के पास हथियार नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को देखिए, तो यहाँ पर भारत का बताया हुआ कि भारत ने 1974 में अपना जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो किस लिए किया गया था, तो पीसफुल के लिए किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पड़ोसी था चाइना, उसने 1964 में ही देखिए कि परमाणु जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया था। तो इसे देखते हुए तो इस क्षेत्र में यानी जो दक्षिण एशिया है, पूर्वी एशिया में असंतुलन न बने, और एक तो हमारा पड़ोसी देश, उसके बाद फिर उसके पास न्यूक्लियर, तो भारत को भी अपनी चिंता सताने लगी। तो भारत ने भी अपना जो पहला है वो 1974 में करता है, फिर 1991 में करता है जो 3 वेपन्स का टेस्ट करता है 1991 में। तो इस तरह से आप देखिए कि एशिया में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने देश परमाणु शक्ति संपन्न है, तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा भारत और पाकिस्तान। अब इस कलर में कौन सा दिखाई, उधर अमेरिका, इधर आपको फ्रांस, यूके, चाइना, इधर रशिया दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट डेट साइन द ट्रीटी। अब इन्होंने तो साइन कर दी, अब साइन कर दी इन्होंने तो पहले से अपना जखीरा है हथियारों को वो रख लिया। अब चाइना की बात करें तो चाइना ने NPT पर साइन तो किए, लेकिन फिर भी अपने परमाणु हथियार वो बढ़ाता जा रहा है, यानी एक तरह से जो NPT है उसका उल्लंघन ही कर रहा है ये। फिर इधर देखिए ग्रीन कलर में, तो नॉन सिग्नेटरी स्टेट विथ नो न्यूक्लियर वेपन, तो इधर साउथ सूडान का एक दिखाया हूँ कि अफ्रीका में से, तो साउथ सूडान इज द ओनली अफ्रीकन नेशन नॉन सिग्नेटरी टू द NPT। उसके बाद जो ये व्हाइट कलर में दिखाया हुआ है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स मेंबर स्टेट, फिर रेड कलर में हमें देख लिया कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट नो पार्टी टू द NPT, यानी जिन्होंने NPT पर साइन नहीं किए हुए, तो भारत और पाकिस्तान है जिन्होंने NPT पर साइन नहीं किए, तो भारत का पक्ष मैंने आपको भी बताई दिया है कि NPT पर साइन करने क्यों ना किए, तो उसका वजह ही था कि ये एक तरह से भेदभावपूर्ण संधि है, यानी एक तो हैव और एक हैव नॉट में अंतर करती है, यानी जिनके पास परमाणु हथियार है और एक जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। फिर इस अरे येलो कलर में दिखाया हुआ है विदड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी, यानी जिन्होंने जो NPT से बाहर आए, तो वो कौन है, एक नॉर्थ कोरिया को दिखाया हुआ जिन्होंने NPT से बाहर आ गए, विदड्रॉ इट सेल्फ फ्रॉम द ट्रीटी इन 2003 एंड टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 2006। तो कहना चाह रहा है कि वो NPT से साइन करने के बाद फिर वापस बाहर निकल जाता है और फिर अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट करता है। तो इस तरह से आप इसे देखिए और अच्छे से समझिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। क्वांटम साइंस में योगदान के लिए 3 वैज्ञानिकों को
फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार तो फ्रांस के एलेन ओस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लोजर और ऑस्ट्रिया के एंटन जिलिंगर बने संयुक्त विजेता। तो यहाँ पर दिखाया है फ्रांसीसी वैज्ञानिक एलेन ओस्पेक्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन एफ क्लोजर और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटन जिलिंगर, जिन्हें संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में विशिष्ट योगदान के लिए फ्रांस के एलेन ओस्पेक्ट, अमेरिका के जेन जॉन एफ क्लोजर और ऑस्ट्रिया के एंटन जिलिंगर ने संयुक्त रूप से इस साल का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है। इनके शोध ने डाटा इंक्रिप्शन, सुरक्षित तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की नोबेल कमेटी की सदस्य इवा ओल्सन ने कहा कि क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस बहुत तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है। क्वांटम कंप्यूटिंग और सेंसिंग टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों में इसकी अहम भूमिका है। बौद्धिक वैज्ञानिक जिन विषयों पर शोध करते हैं, पहली नज़र में उनका दैनिक जीवन पर प्रभाव नहीं समझ में आता है। इनमें सूक्ष्म कणों से लेकर अंतरिक्ष एवं समय की कई गुत्थियाँ शामिल हैं। हालांकि उनके शोध के नतीजे वैज्ञानिक के बहुत से अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस भी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। तकनीक के दौर में सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से एक से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्वांटम साइंस से इसमें सहायता मिलती है। डाटा को सुरक्षित तरीके से एनक्रिप्टेड कर पाना भी इसी दिशा में शोध से संभव हुआ है। एनक्रिप्शन से बहुत से संवेदनशील डाटा को हैकिंग के खतरों से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमें अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया है नोबेल पुरस्कार का, उनको देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का बात किया, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार 6 अवार्डेड कैटेगरीज। तो नोबेल पुरस्कार विभिन्न विषयों में सर्वोच्च उपलब्धि को मान्यता देता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या तो 1901 से 2020 के बीच में दिखाया हुआ है। तो पुरस्कार विजेताओं में व्यक्तिगत समूह या संगठन शामिल हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा ही है कि फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार में संयुक्त रूप से जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में तो अभी हमने देख ही लिया है कि किन को मिला है। ये पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है तो अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है और उनकी संपत्ति से दिया जाता है। ये 1833 और 96 के बीच में, 1833 में तो इनका जन्म हुआ था और 1896 में इनका जन्म हुआ था, अल्फ्रेड नोबल। अब हम देखते हैं कुछ एक अन्य मैप। तो यहाँ पर दिखा हुआ है एक अन्य मैप में आप देखिए कि किस तरह से जो नोबल पुरस्कार है उसके विनर से उनका एक लोकेशन दिखाया हुआ है महाद्वीपवार। तो नोबल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों का इसने एक तरह से पक्ष लिया है। सभी पुरस्कार विजेताओं में से आधे से अधिक यूरोप से हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दिखा हुआ नोबल जो नोबल प्राइज है उसमें आप देखिए कि यूरोप से कितनी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर यूके का दिखाया हुआ कि 81, जर्मनी का दिखाया हुआ 83, फ्रांस का दिखाया हुआ 57। द नॉर्थ अमेरिका को देखिए आप, तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे यूनाइटेड स्टेट यानी उसको 281 मिले हुए, कनाडा को 21, मेक्सिको को 3। तो आप देखिए कि जो पश्चिमी देश है जिन्हें हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, तो उनको देखिए कि उनको सबसे ज़्यादा मिले हुए। अब आप इधर एशिया में आइए तो आपको देखिएगा कि एशिया में केवल जितने मिलती है उसका 7%, इधर यूरोप में 52%, नॉर्थ अमेरिका में 32%। तो इधर इतना बड़ा भेदभाव क्यों है, एशिया में इतने कम क्यों? अब एशिया में आप देखिए कि टॉप कंट्रीज कौन है, तो जापान को 27 मिले हुए, चाइना को 12 मिले हुए और इंडिया को कितने, 9 मिले हुए हैं। इधर आप ओशनिया को देखिए, ओशनिया में 2%, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया और एक ईस्टर्न टिमोर कंट्री वो शामिल हो गई है। अफ्रीका में देखिए तो अफ्रीका में 3% को ही केवल अभी तक नोबेल प्राइज मिला हुआ है। टॉप कंट्रीज कौन हो गई, तो इधर साउथ अफ्रीका हो गई है, फिर उसके बाद इजिप्ट, फिर लिबेरिया। इधर साउथ अमेरिका में देखिए तो इसको 1% नोबेल प्राइज मिला हुआ है। टॉप में कौन है, तो अर्जेंटीना जिसको 4 मिला हो। तो आप यहाँ पर कुछ विश्लेषण कीजिए, कितना बड़ा भेदभाव क्यों है, इधर यूरोप में आधे से ज़्यादा नोबेल प्राइज मिलते हैं और इधर एशिया में देखिए, अफ्रीका में देखिए, साउथ अमेरिका में देखिए, बहुत ही कम यानी एक तरह से 10% से भी कम मिले हुए, ऐसा क्यों? तो आप इनको विकास से जोड़िए, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़िए, यहाँ की अर्थव्यवस्था से इसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, यहाँ से ट्रेड को जोड़िए,
यहाँ पर आप स्पेस टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आप इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पर सामाजिक स्तर देखिए, यहाँ पर लाइफ स्टाइल को देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या होती है। तो आप इस पिक्चर से देखने का प्रयास कीजिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, उसकी जो लैब है उसका एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो देखिए आप, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का इमेज दिखाया हुआ है आपको, ये उसके जो स्टोरेज है, जो सर्वर है वो लगाए हुए हैं, और इसके लिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। आप एक अन्य पिक्चर से देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग आने से किस तरह से जो एक व्यक्ति कितनी तरह से तेज काम कर सकता है, एक साथ ही कितने जो टास्क उनको परफॉर्म कर सकता है, देखिए। तो उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग को दिखाया हुआ है कि एक साथ 0 1 जो बाइनरी डिजिट से उनको परफॉर्म किया जा सकता है, एक ही साथ ज़्यादातर टास्क उनको परफॉर्म करने की इसमें क्षमता होती है। अब यहाँ पर दिखाया कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है और जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है उसमें अंतर क्या है, तो उसको देखते हैं हम। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग, तो क्यूबिट यानी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्यूबिट के साथ गणना करता है, जो एक ही समय में 0 और 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब इस पर क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या है, तो ट्रांजिस्टर के साथ गणना करता है, जो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी यहाँ पर या तो 0 का करेगा या 1 का करेगा, और यहाँ पर दोनों कर सकता है, 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर उसी इमेज को दिखाया हूँ कि या तो 0 0 करेगा या 1 करेगा, 1 करा होगा तब 0 हट जाएगा, या 0 करेगा उस समय 1 हट जाएगा, और यहाँ पर दोनों को दिखाया हुआ है कि एक साथ 0 और 1 जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद देखिए कि क्यूबिट्स की संख्या के अनुपात में शक्ति तेजी से बढ़ती है। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर की संख्या के साथ 1:1 संख्या में शक्ति बढ़ती है। उसके बाद देखिए कि क्वांटम जो कंप्यूटर में उच्च त्रुटि दर होती है, और इसे अल्ट्रा कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा रखने की जो आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिखा हुआ कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें त्रुटि की दर यानी जो एरर्स होती है वो उसकी जो रेट्स है वो बहुत ही कम होती है, कमरे के तापमान पर काम कर सकता है, यानी इसको ज़्यादा ठंडा रखने की भी जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर दिखा हूँ कि जो अनुकूलन समस्या यानी वेल सुटेड टास्क जैसे डेटा विश्लेषण सिमुलेशन जैसे कार्यों के लिए एक तरह से ये उपयुक्त होते हैं, यानी कहना चाह रहा है कि जो ऑप्टिमाइजम यानी वेल सुटेड फॉर टास्क लाइक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स डाटा एनालिसिस एंड सिमुलेशन। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो अधिकांश रोजमर्रा के प्रोसेसिंग को क्लासिकल कंप्यूटर द्वारा सर्वोत्तम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग वो क्या होती है, तो चर्चा में तो हमने देख लिया कि चर्चा में क्यों बनी हुई है, अब देखते हैं कि क्या होती है। तो पारंपरिक कंप्यूटरों में सूचना बाइनरी डिजिट 0 या 1 का उपयोग कर संग्रहित की जाती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना क्वांटम या बिट्स या क्यूबिट्स में संग्रहित की जाती है। एक क्यूबिट एक ही समय में दोनों 0 या 1 अथवा 0 और 1 के बीच की संख्याओं की कोई भी श्रेणी हो सकती है। ये क्वांटम फिजिक्स के दो प्रमुख सिद्धांतों पर काम करती है, एक है सुपरपोजिशन और एक एंटेक्लेमेंट। अब सुपरपोजिशन का अर्थ है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों को दर्शा सकती है। अब एंटेंगलमेंट का अर्थ है कि एक सुपरपोजिशन में क्यूबिट एक दूसरे के साथ सहसंबंध हो सकते हैं, अर्थात एक ही स्थिति चाहे वह 1 हो या 0 दूसरे की स्थिति पर निर्भर करता है। एक क्वांटम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर में क्यूबिट्स बढ़ाने के साथ साथ 4 घातांक की वृद्धि हो सकती है। अब हम इसके लाभ को देखते हैं, फिर हम चुनौतियों को देखें। तो इसके लाभ क्या है, तो वर्तमान कंप्यूटरों में सूचनाएं बिट्स में होती हैं, जिस तरह लाइट को ऑन और ऑफ किया जाता है सूचनाओं का बिट 1 या 1 0 के रूप में हो सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की बुनियादी इकाई क्यूबिट अथवा क्वांटम बिट में 1 और 0 दोनों एक साथ हो सकते हैं। इस बुनियादी अंतर की वजह से ही क्वांटम कंप्यूटर एक साथ लाखों गणनाएं कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर का विकास वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि इससे कंप्यूटिंग की दुनिया में बड़ी क्रांति आ सकती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्यूटर उन समस्याओं को सेकंडों या मिनटों में हल कर सकते हैं, जिनके लिए मौजूदा सुपर कंप्यूटर को अरबों वर्ष
खर्चे करने पड़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और परमाणुओं की ताकत का इस्तेमाल मेमोरी और प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए करेंगे। नई मशीनें उन गणित की समस्याओं को हल कर सकेंगी जिन्हें सुलझाना भी मनुष्य के लिए बूते में नहीं है, यानी मनुष्य की पहुंच में नहीं है। भविष्य में संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखने या उन्हें पढ़ने में क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत मददगार होगी। वैज्ञानिक समुदाय के लिए क्वांटम कंप्यूटर के विविध उपयोग संभव है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का निर्माण शामिल है। अब इससे संबंधित चुनौती क्या है तो उनको भी देखते हैं। क्यूबिट को संभालना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उनका जीवनकाल अल्पकालिक होता है। सूचनाओं की हिफाजत के लिए जिन एन्क्रिप्शन टूल्स का इस्तेमाल होता है उनमें RSA भी शामिल है जो सबसे मजबूत कवच माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे भी बेच सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और इससे दूसरे देशों की गोपनीय सूचनाओं में सेंध लगने की खतरा बढ़ेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एक ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहती है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों में रखे बैंकिंग, मेडिकल, व्यापारिक और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हर तरह के एन्क्रिप्शन को भेज सके। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो कंप्यूटिंग है, वो क्या होती है, इसके लाभ क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो इंश्योरेंस में, रिटेल में, गेमिंग में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, तो इनका तो अभी भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बड़े स्तर पर जो बड़ा डाटा है उसको किस तरह से एनालिसिस किया जा सके और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है, मेडिसिन एंड मटेरियल में हो सकता है, मशीन लर्निंग में हो सकता है, सर्च और बिग डाटा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लासिकल कंप्यूटिंग है, उसमें अंतर क्या होता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें लाभ क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या है। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूक्रेनी क्षेत्रों की विलय संधि पर रूसी संसद की मोहर। तो रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल ने मंगलवार को पूर्वी डोनेत्स्क व लुहांस्क तथा दक्षिणी खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों को अपने देश में मिलाने से संबंधित संधियों को मंजूरी दे दी है। तो इन क्षेत्रों की जो बात की उनको देखते हैं हम मैप में। तो आपको ये यूक्रेन का मैप नज़र आ रहा होगा, ये नेपल नदी दिख रही होगी और इसी के किनारे जापोरिजिया परमाणु संयंत्र अवस्थित है। अब जो लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरिजिया, खेरसान है वो आप देखिए कि एक लाइन में अवस्थित है। इधर खेरसान की सीमा जापोरिजिया से लग रही है, जापोरिजिया की सीमा डोनेत्स्क लग रही है, डोनेत्स्क की सीमा लुहांस्क लग रही है, इधर लुहांस्क की सीमा और डोनेत्स्क की सीमा रशिया से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है। इधर इनके नीचे ब्लैक सी अवस्थित है, इधर क्रीमिया वाला आ गया जिसपे 2014 में रशिया ने जो है एनेक्स यानी कब्जे में ले लिया था। उसके बाद एक अन्य मैप देखिए यूक्रेन का, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल और जापोरिजिया संयंत्र। ये नेपल नदी दिख रही होगी, इसके किनारे जो यूक्रेन की राजधानी है कीव अवस्थित है। ये चेर्नोहिव, ये जापोरिजिया परमाणु संयंत्र जो अभी चर्चा में बना हुआ था और अभी इसी को लेकर मोदी जी ने चिंता भी जाहिर की है इसकी सुरक्षा को लेकर। तो आप देखिए ये नेपल नदी के किनारे अवस्थित है। इधर ओडिशा पोर्ट हो गया जो ब्लैक सी में लगती है इसकी सीमा। इधर क्रीमिया पेनिनसुला हो गया, ये सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो दो वाडी इन दो अजो सी और ब्लैक सी को जोड़ रही है। इधर किसको अलग कर रही, तो इधर रशिया वाला हिस्सा हो गया, इधर क्रीमिया को अलग कर रही है। इधर खेरसान मारियोपोल को देख लिया हमने, जो मारियोपोल है इसकी सीमा किससे लग रही है, इधर तो सी ऑफ अजो से लग रही है। इधर आप देखिए चेर्नोबिल, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये नेपाल नदी के किनारे अवस्थित है। अब आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि ये परमाणु संयंत्र है वो नदी के किनारे ही क्यों अवस्थित है, तो इसको आप सोचिए कि इसकी क्या वजह है। उसके बाद देखिए इधर निस्टर नदी, ये निस्टर नदी कहाँ जाकर गिर रही है, तो ब्लैक सी में जाकर गिर रही, किधर से होकर आ रही है, तो इधर आप देखिए कि ये यूक्रेन से होते हुए, मालडोवा से होते हुए ब्लैक सी में जाकर गिर जाती हैं। इधर यूक्रेन की सीमा को देखिए किसके साथ लग रही है, तो इधर रोमानिया के साथ, इधर मोल्डोवा के साथ, हंगरी के साथ, स्लोवाकिया के साथ, पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, रशिया के साथ इसकी सीमा लग रही है। इसमें और आप देखने का प्रयास कीजिए कि कौन सी नदियाँ हैं, तो इधर आपको दिख रहा होगा डोनेट्स रिवर्स, इधर साउथर्न बग रिवर हो गई है। तो इस तरह से हमें यूक्रेन के मैप को देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईरानी राष्ट्रपति ने की लोगों से राष्ट्रीय एकता की अपील, बाइडन बोले दोषियों पर लगाएंगे पाबंदी। तो ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए राष्ट्रीय एकता की अपील की। तो अब हम ईरान की मैप को देखते हैं, तो ये ईरान का मैप हो गया है।
इधर आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है, तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, आर्मेनिया से, टर्की से, इराक से। और इधर इसकी सीमा क्या कुवैत से लग रही है, तो इधर आपको दिख रहा होगा कि इससे कुवैत से इसकी सीमा नहीं लग रही है। इसमें यह करूण रिवर हो गई किसके अंदर अवस्थित है, तो इधर ईरान के अंदर अवस्थित है। इसके उत्तर में क्या आ गया, तो इधर कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा लग रही है, गल्फ ऑफ ओमान से सीमा लग रही है। और ओमान और ईरान के बीच में कौन सी स्ट्रेट आ गई, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अवस्थित हो गई है। ये बंदर अब्बास जो पोर्ट से वो ईरान में अवस्थित है, ये चाबार पोर्ट यहीं पर अवस्थित है जिसका भारत निर्माण कर रहा है। ये दश्त ए लूट मरुस्थल अवस्थित हो गया है। ये एल्ब्रुस माउंटेन्स अवस्थित है वो इसके उत्तर में। इधर तेहरान इसकी राजधानी हो गई है। लेक उर्मिया जो ईरान से संबंधित है इसमें अवस्थित है। ये शिरोज शहर हो गया, ये बुशहर शहर हो गया है। ये दश्त ए कावेरी वाला क्षेत्र हो गया इधर। ये इस्पहान जो सिटी है इसमें अवस्थित है, इस्पहान। तो इस तरह से हमें ईरान का मैप देखना था। तो हमारा जो एनालिसिस है वो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब हम अंत में इन सबको गूगल मैप पे देखते हैं। तो ये गूगल मैप हो गया और ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तब तो हम भारत से सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, ईरान पर। तब तो ईरान पर हमें जाना है तो हम समुद्री मार्ग से चलते हैं। तो हम समुद्री मार्ग चलेंगे तो अरब की खाड़ी से होते हुए, ओमान की खाड़ी से होते हुए, फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ईरान की सीमा किससे लग रही है, तो इधर पाकिस्तान से हो गए, अफगानिस्तान से हो गए, तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इस साइड में बता रहा था आपको कि ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि बीच में इराक आ जाता है। उसके बाद इसकी सीमा इराक से लग रही है, इधर टर्की से इसकी सीमा लग रही है। इधर आप देखिए कि आर्मेनिया से इसकी सीमा लग रही है, अजरबैजान से इसकी सीमा लग रही है। और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर दिखा हुआ, तो ये किसका क्षेत्र हो गया, नेक्स्ट सिवन, तो ये अजरबैजान का क्षेत्र हो गया है। अब इसमें आप देखिए कि इस्पहान शहर, ये तेहरान की राजधानी हो गई है। ये लेक उर्मिया जो रिवर जो झील की हम बात करें तो ये वाली झील हो गई है यहीं पर। इधर एल्ब्रुस माउंटेन्स हो गए हैं, जैग्रोस माउंटेन इधर इसके इस साइड में अवस्थित है, फारस की खाड़ी की साइड में। करुणा रिवर यहीं से ऊपर निकल रही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे करुणा रिवर्स, करुण रिवर्स, इसका आप सैटेलाइट व्यू में देखिए तो आपको सैटेलाइट व्यू में दिख रहा होगा कि एक तरह से जो क्षेत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र आता है, यानी मरुस्थली क्षेत्र है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो मिडल ईस्ट में कहा जाता है, यानी एक भारत की तरफ से कौन सा है, तो पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमी है वो किस पर ज़्यादा डिपेंड है, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम और गैस पर इनकी इकोनॉमी है वो ज़्यादातर निर्भर है। इनको खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी इतना प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पर खाद्यान्न के लिए। तो आप इनके मैप में देखिए और इस मैप को और भारत के मैप से थोड़ी तुलना कीजिए, तो आपको भारत के मैप में आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, यानी गंगा यमुना वाला मैदान दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको यहाँ कैस्पियन सागर में दिखाई दे रहा होगा, तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, हरियाली। ऐसी बात नहीं कि हरियाली यहाँ नहीं, लेकिन है, लेकिन वो उस तरह की हरियाली नहीं, वो एक तरह से कांटेदार है, कैक्टस वाले पौधे हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उस तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे यहाँ पर। ये चाबार पोर्ट की हम बात करें, तो चाबार पोर्ट जिसका भारत जो विकास है वो कर रहा है, तो ये चाबार पोर्ट को आप देखिए। और इसी के पास में आप देखेंगे कि इधर ग्वादर पोर्ट आ गया, किसका, पाकिस्तान का, जिसका विकास कौन कर रहा है, तो चाइना विकास कर रहा है। एक कराची, एक ग्वादर, ये रहा, जिनकी दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है इनकी, लगभग 75 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो इसका विकास कौन कर रहा है, चाइना, किस परियोजना के तरह कर रहा है, तो CPC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। अब हम यूक्रेन को मैप को देखते हैं, तब हम ईरान आ गए। अब हमें ईरान से चलना है कहाँ, यूक्रेन चलना है, तो हम यूक्रेन कैसे चलें, तो हम यूक्रेन के लिए द फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए वापस अदन की खाड़ी,
अदन की खाड़ी पे, बाबल मंडप से होते हुए लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए, फिर हम जो भूमध्य सागर से होते हुए इधर एजियन सागर से होते हुए जो इस्तानबुल, इस्तानबुल से होते हुए ब्लैक सी, और ब्लैक सी में जो हम ओडिशा पोर्ट है यूक्रेन का, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर खेरसान, ये लुहानस्क डोनेट्स्क वाला क्षेत्र, ये जापोरिजिया वाला क्षेत्र हो गया है, ये यूक्रेन। अभी आप देखिए मैंने बता रहा था आपको यूक्रेन, तो ये निपर नदी हो गई है, और ये निपर नदी के किनारे ही जो जापोरिजिया है वो अवस्थित है। Встречается осьминог, конструкция. ये देखिए आप सी ऑफ अजो हो गया, और ये ब्लैक सी हो गया, और ये कर्च हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च अवस्थित है यहीं पर। इसकी राजधानी हो गई कीव, जो निपर नदी के किनारे ही अवस्थित है। अब इसकी सीमा को देखिए आप, सीमा किसके साथ इसके यूक्रेन की सीमा लग रही है। इधर आपको माल्डोवा दिख रहा होगा, माल्डोवा, इधर रोमानिया, इधर हंगरी, हंगरी के बाद इधर स्लोवाकिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर पोलैंड से, इधर बेलारूस से, इधर रशिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर ब्लैक सी आ गया दक्षिण में इसके, और ये जो नदी जा रही है इसकी हमने बात कर ली है। तो इस तरह से हमें जो यूक्रेन और ईरान का मैप उसको देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।